अभी चलते हैं सबसे पहले हम जिम। By the way, if you are watching me for the first time, my name is Harman Singh. I am working as an associate management consultant at Accenture, and you are watching A Day in My Life. ठीक है भाई, सबसे पहला टास्क करते हैं। भाई मेरा पोपट हो गया है, अपना जो जिम है वो आज बंद हो रखा है। पता नहीं क्यों भाई, आज क्या है, आज क्यों बंद हो रखा है भाई। आज तो फ्री का रेस्ट डे मिल गया, मैं सोच रहा हूँ अब घर जाता हूँ। ऑफिस स्टार्ट होने वाला है, कुछ ज़्यादा टाइम मेरे पे बचा नहीं है, बस 1 घंटा है अगली मीटिंग में, तो ऑफिस का ही काम कर लेते हैं, शाम को रनिंग कर लूँगा। अबे यार मेरा बहुत मन था यार, चेस्ट और शोल्डर स्ट्रेन करने थे मेरे को। चलो चलते हैं। नहीं, आज हम पहले ऑफिस का काम स्टार्ट करेंगे, शाम को देखेंगे जिम जाना है या रनिंग करनी है। तो सीन कुछ ऐसा है कि मैं यूजुअली 8 से 9 बजे के बीच में उठ जाता हूँ, आज मैं 8:30 बजे उठा था और मुझे शूट करते करते 1 घंटा लग गया पूरा का पूरा। लेकिन अभी हम अपना काम स्टार्ट करेंगे, पीछे तुम स्क्रीन देख रहे हो, सबसे पहले ईमेल्स पढ़ेंगे। मेरे पास अभी अराउंड 1 घंटा बचा है मेरी पहली मीटिंग से, मेरी पहली मीटिंग 11:30 बजे होती है, तो उससे पहले पहले ईमेल्स देख लेंगे, जो छोटा मोटा काम है वो कर लेंगे, ये टाइम हम यूटिलाइज करेंगे। हाँ जी, तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि हमने अपना सेटअप पूरा रेडी कर लिया है, अभी बज रहे हैं 11:20, अगले 10 मिनट में मेरी पहली मीटिंग स्टार्ट होने वाली है और पूरा दिन मेरी मोस्टली मीटिंग्स ही चलती रहती है, मेरा काम ज़्यादातर मीटिंग्स का ही है। अब एग्जैक्टली मैं करता क्या हूँ उसके लिए थोड़ा सा वेट करो, वो भी बताऊंगा कि मेरा रोल है क्या और मेरे को एक्चुअली में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करना होता है, मैं कौन से क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ, काम है क्या मेरा, वो भी बताऊंगा। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ, थोड़े बहुत ईमेल्स पढ़ते हैं और जल्दी से अपना दिन स्टार्ट करते हैं। अभी मेरे पास टाइम है, जब मेरी एक्चुअल मीटिंग स्टार्ट होगी और जब मेरी मीटिंग स्टार्ट होगी तब मैं ये बताऊंगा कि मेरा एक्चुअली काम है क्या। खैर मेरी एक नॉन टेक प्रोफाइल है, लेकिन मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं ना यार, उनमें से मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो सब कोडिंग करते हैं और सब टेक फील्ड में अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं। लेकिन आप सबने सुना होगा कि इस वक्त रिसेशन का टाइम चल रहा है, तो अपॉर्चुनिटीज मिलना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ नेक्स्ट लेवल के बारे में, जिस ऐप को डाउनलोड करने से आपको फ्री में बड़ी बड़ी कंपनीज में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, इंटरव्यूज देने का मौका मिलेगा और एक पूरा गेमीफाइड सा एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम लिंक्डइन पे अप्लाई करते रहते हैं, डिफरेंट कंपनीज में अप्लाई करते रहते हैं, लेकिन हमें कोई रिस्पांस ही नहीं आता है। तो सबसे पहले तो यार आप नेक्स्ट लेवल का ऐप डाउनलोड कर लो, यहां पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज की जॉब ओपनिंग्स आती रहती है, जैसे कि मेक माई ट्रिप, कल्ट फिट, MPL, जेनपैक, पिक्सलिव, और इन कंपनीज में आप जॉब सिक्योर कर सकते हो। आप यहाँ पे AI पावर्ड इंटरव्यूज दे सकते हो, तो आपको किसी इंटरव्यूअर का वेट करने की भी जरूरत नहीं है, सारी चीजें AI ने आसान बना दी है। और तो और यहाँ पे बहुत सारे कॉन्टेस्ट भी होते रहते हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपके अंदर बस स्किल्स होनी चाहिए। कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने पे अगर आप लीडर बोर्ड में ऊपर आते हो तो यार आप काफी सारे प्राइजेस भी जीत सकते हो, लाइक MacBook, Kindle, iPad, फ्री गिफ्ट वाउचर्स। तो यार किसका वेट कर रहे हो, जाके कॉन्टेस्ट में रजिस्टर कर लो। नेक्स्ट कॉन्टेस्ट होने वाला है 22 नवंबर को एंड 30 नवंबर को, आप उसमें जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो, लिंक मैंने नेक्स्ट लेवल का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सबसे बड़ी बात है ये सब फ्री है, आप लिंक्डइन में भी अप्लाई करते हो और भी 100 जगह पे अप्लाई करते होगे, तो यार आप नेक्स्ट लेवल को भी जरूर से ट्राई कर सकते हो और यहाँ से बड़ी बड़ी टेक कंपनीज में जॉब क्रैक कर सकते हो। जी तो भाई अपनी जो दिन की पहली मील है, अभी कितना टाइम हो रहा है, 1 बजने वाले, आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया अपनी पहली मील के लिए। तो हमारी पहली मील है स्क्रैम्बल्ड लेग्स, जिसके अंदर मैं 4 अंडे खाता हूँ, ठीक है, एकदम इजी टू मेक, मुझे 5 मिनट लगते हैं इसे बनाने में। और आज तो मैं शूट कर रहा था इसलिए मम्मी से बनवा लिया, बट मैं खुद बना लेता हूँ इसे और बढ़िया, मेरे को अराउंड 25 ग्राम प्रोटीन इससे मिल जाता है, बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया। तो सीन कुछ ऐसा है कि अभी 1 बज चुका है, 1 बजे मेरी एक मीटिंग होती है जो आज कैंसिल हो चुकी है, तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, बाकी मेरे को जो भी मैसेजेस आते रहते हैं ऑफिस से वो मैं साइड बाय साइड क्लियर करता रहता हूँ। लेकिन अभी जैसे कि आपने देखा है कि मैंने अपना पर्सनल लैपटॉप भी खोल लिया है, वो मेरा वर्क सेटअप चल रहा है वहाँ पे,
तो अभी मेरा क्या प्लान है कि जो छोटे मोटे स्क्रिप्ट्स वगैरह हैं जो मैंने लिखे हुए हैं उनको मैं वॉइस ओवर करके रिकॉर्ड कर लेता हूँ जल्दी से अपने यूट्यूब के लिए। तो मैं ऐसे ही करता हूँ, जैसे ही जैसे लंच टाइम हो जाता है या मुझे बीच में फ्री टाइम मिलता है तो मेरे पास जो मेरा यूट्यूब का काम होता है वो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कंप्लीट कर लूँ, ताकि अभी एडिटर के पास भी चले जाए, फिर एडिटर जो है वो एडिट कर लें। मैं कर रहा हूँ लंच क्योंकि लंच टाइम हो चुका है, 2 बज चुके हैं और यार आज है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। तब भाई आज तो छुट्टी देनी चाहिए थी, मतलब आज तो एक त्योहार है भाई इंडिया के अंदर, मतलब मजा आएगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं मीटिंग्स कैसे लूंगा भाई, ये मैच मेरे को इतना डिस्ट्रैक्ट करने वाला है। खाना खाते हैं हमारे रोहित भाई और शुभमन गिल हमारे बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है मैं मैच देखता हूँ। मजा आ गया सीरियसली मजा। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि अभी बज चुके हैं 4:30, मेरी 6 बजे तक लगातार मीटिंग्स है, देखते हैं 6 बजे से पहले खत्म होती है नहीं, लेकिन अभी हमने आधी मीटिंग्स कर ली है। तो अब मैं बात करता हूँ कि यार एक्चुअली मेरा काम है क्या। तो मैं अभी एज अ कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ, एसोसिएट कंसल्टेंट एट एक्सेंचर, और ये क्लाइंट फेसिंग जॉब है, ये मेरी कोई टेक जॉब नहीं है, मुझे बैठ के कोडिंग नहीं करनी होती है। बेसिकली अभी सीन ऐसा है दैट आई एम वर्किंग फॉर अ फॉर्च्यून 500 क्लाइंट, एक बहुत बड़ा क्लाइंट है एक्सेंचर का, ठीक है। लकीली मेरे को इसमें अपॉर्चुनिटी मिल गई थी तो अभी मैं उस क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ, और मेरे को टेक टीम्स को संभालना होता है बेसिकली एज अ स्क्रम मास्टर। स्क्रम मास्टर की जो पोजीशन होती है ना, पता नहीं आपको पता होगा या नहीं, लेकिन स्क्रम मास्टर्स को कॉल्स अरेंज करनी होती हैं बेसिकली। बहुत ऐसी जॉब है जिसके अंदर आपको बहुत कम्युनिकेट करना होता है, आपको टीम्स के साथ कम्युनिकेट करना है, क्लाइंट साइड के लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है। तो यार मतलब एक्सपोजर बहुत है। एज अ स्क्रम मास्टर आप रिस्पॉन्सिबल होते हो, आप अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, मतलब टेक टीम्स ही काम कर रही है लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि टीम अपनी बेस्ट प्रोडक्टिविटी पे काम करे। वो जो प्रोसेस है, जो वेज ऑफ वर्किंग क्लाइंट ने सेट करे हैं, जो एजाइल वेज ऑफ वर्किंग है, DevOps ways of working है, उन्हें फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपको मेक श्योर करना है। आपको टूल्स लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं लाइक जीरा, क्यूटेस्ट, ऐसे काफी सारे सॉफ्टवेयर रहते हैं, मेनली जीरा रहता है, तो आपको उसमें काम करना होता है, वहीं पे सब लोग काम कर रहे होते हैं और आपको वो मेक श्योर करना है कि एकदम क्लीन हो। तो कुछ ऐसा ही है, मेरी क्लाइंट्स कॉल वगैरह होती है। आज तो वेंसडे है, आज थोड़ा सा ईजी है, लेकिन थर्सडे को काफी ज्यादा काम होता है। हाँ जी भाई, तो 5 बज चुके हैं, अब टाइम हो चुका है हमारे प्रोटीन शेक का। तो ये मेरी 3rd मील है दिन की और इसमें अराउंड मुझे 45 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है, ठीक है, तो काफ़ी फिलिंग मील होती है। इसके बाद मैं 4 एग व्हाइट्स खाने वाला हूँ, एग वाइट्स नहीं, होल एग्स, 4 अंडे खाने वाला हूँ। फिर उसके बाद आज मैं रनिंग पे निकलूँगा अराउंड 7-8 बजे, बढ़िया मज़ा आने वाला है। तो यार अब 7:30 हो चुके हैं और मैं अब लैपटॉप बंद करने वाला हूँ। हो गया काम, तो कभी ख़त्म नहीं होगा, काम कभी ख़त्म नहीं होता भाई कॉर्पोरेट के अंदर। हमने जो नया घर लिया था अभी उसमें शिफ्ट होने में थोड़ा टाइम है, तो मेरा पुराना घर ऐसा जितना अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने स्टिल यहाँ पे थोड़ी फोटोज़ वगैरह लगाकर और थोड़ा स्क्रीन वगैरह अच्छे से सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है अपने डेस्क पे, ताकि मुझे मज़ा आए जितने महीने यहाँ पे हूँ मैं, यहाँ पे मैं हूँ। तो ठीक है भाई, चलते हैं और रनिंग करते हैं, मुझे रनिंग करने में बहुत मज़ा आता है। मेरा गोल है कि मैं अगले 2 महीने के अंदर अंदर कोई हाफ मैराथन तो ज़रूर से भाग लूँगा। मतलब यार इतना ज़्यादा हेक्टिक दिन हो जाता है, उसके बाद ऐसे बाहर निकलना, थोड़ा बहुत घूमना, स्पेशली नेचर में यार बहुत अच्छा लगता है। बाकी कभी कभी अपने फ्रेंड्स के साथ चले जाता हूँ, ऐसा नहीं है कि रोज़ शाम को मतलब मैं ऐसे रनिंग करता हूँ। सुबह मैं वर्कआउट करता हूँ, शाम को मेरा मोस्टली मैं ट्राई करता हूँ कि दोस्तों के साथ बाहर निकल जाएँ, कहीं कुछ खाने चले जाएँ, कुछ बातें कर लें दोस्तों के साथ, ठीक है। बाकी मेरे पैर में भी बहुत ज़्यादा अभी दर्द हो रहा है, तो थोड़ी सी मेरे को लगता है बास्केटबॉल खेलते खेलते चोट लग गई है। ठीक है अब मैं कैमरा बंद करता हूँ और थोड़ा आराम से घूमता हूँ नेचर में, थोड़ा वाइब करता हूँ खुद के साथ, तो मिलता हूँ बाद में, बाय। तो यार सीन कुछ ऐसा है दैट आई एम डन फॉर द डे, अभी रात के कुछ 11 बज रहे हैं, अब मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है ना व्लॉगिंग करने की ना कुछ करने की, हो चुका है आज का दिन खत्म। दिस वॉज अ डे इन माई लाइफ वीडियो, आई होप आप सबको पसंद आया हो। चलो ठीक है भाई, मैं तो जा रहा हूँ सोने थोड़ी देर बाद फ़ोन चलाने के बाद। चलो ठीक है, बाय।